हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आके जिस भी टाइम में आप देख रहे हो, गेटी एडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है एंड वेलकम टू आवर आरआरबी जेई 2024 गतिशील सीरीज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। 777 का कोर्स हमारे पास, CBT 1, CBT 2, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। CBT 1 में ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, एवरीथिंग इज देयर। फॉर CBT 2 वी हैव टेक्निकल एबिलिटीज क्लासेस इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। यू कैन गो एंड एक्सेस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन। CBT 2 के लिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस ये भी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज सब कुछ है। इससे कम दाम में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको इससे अच्छे प्लेटफॉर्म पे और एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आपको ये डेटा और ये कोचिंग आरआरबी जेई का आपको नहीं मिल पाएगा। आई होप कि अब तो 29 अगस्त डेट चली गई है, सो आई होप कि अब आप मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ कर रहे होंगे। आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन के लिए एक नोटिस भी जारी हुआ था, तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना आपको। तो स्टार्ट कर रहे थे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जहाँ पे हम लोग सर्वेइंग के बारे में बात की कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा। प्लेन एंड ज्योडेटिक सर्वे हमने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज, राइट। ज्योडेटिक सर्वे में हमने कुछ कुछ प्रिंसिपल देखे थे कि स्फेरिकल ट्राइंगल का क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या कह रहा है, होल टू पार्ट है एंड लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप, स्केल रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज स्केल किसको कहा जाता है, डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चैन क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में हमने जाना था कि कौन कौन से स्केल होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल स्केल होता है एंड प्लेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में हम लोग दो तरह के पार्ट्स होते हैं वर्नियर स्केल में, बेसिकली पहला होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। टाइप्स ऑफ वर्नियर में डायरेक्ट वर्नियर आता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर आता है, एक्सटेंडेड वर्नियर आता है, डबल वर्नियर आता है। इन सब के अलग अलग केसेस होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। चेन सर्वेइंग में हम लोग पढ़े थे कि चेनिंग क्या होती है, मेन स्टेशन ये सब क्या होते हैं, थोड़े मोड़े बेसिक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। बेस लाइन, टाई लाइन फॉर शॉर्ट डिटेलिंग्स एंड सब्सिडियरी लाइन, चेक लाइन और प्रूफ लाइन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क एंड ऑफसेट, रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियरिंग चेन क्या क्या होते हैं। अब चेनिंग करेंगे तो उसके लिए तो हमें चेन तो चाहिए ना मेजर करने के लिए, तो ये तीन तरह के चेन होते हैं और एक मेट्रिक चेन भी होता है। मेट्रिक चेन दो तरह के डेजिग्नेटेड लेंथ होते हैं, जैसे कि 20 मीटर का एक हो गया और एक 30 मीटर का हो गया। 30 मीटर में प्लस माइनस 8 mm होता है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ बिकॉज इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक। इसी के इर्द गिर्द कहीं से बीच बीच में पूछ लिया जाता है, तो आपको एक रिलेटिव रेफरेंस पता होना चाहिए। स्टील टेप हमारे पास बहुत सारे के टेप्स होते हैं, लेकिन उसमें से इनवर्ट टेप की जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इनवर्ट टेप ग्रेटर देन स्टील है ना, एंड स्टील इज ग्रेटर देन मेटालिक एंड मेटालिक इज ग्रेटर देन लाइनर। चेनिंग एक्सेसरीज कौन कौन से यूज करते हैं, चेनिंग के दौरान क्या क्या चीज हम लोग एक्सेसरीज हम लोग यूज करते हैं, पेग्स, एरो, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, ये सारी चीजें। चेनिंग हैज टू मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तब हम लोग यूज करते हैं जब एक दूसरा स्टेशन इंटरविजिबल होता है। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सारे टेप करेक्शन होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको अकाउंट करके रखना। आप देखिए आपके सामने 8 तरह के करेक्शन निकले हैं, इसको आप लोग लिखोगे पेपर में और ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या कैसे हो रहा है। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू MSL, करेक्शन ड्यू टू हाइपोटेनस अलाइनमेंट। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन में हमने देखा था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है इस लेक्चर में, इट्स काइंड ऑफ ओनली इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, राइट। आपको यहाँ केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता है और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चंस अभी के 5-6 सालों में पूछे जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप बुलाइएगा मेरी बातों को तो आप ये पाओगे कि ESE में भी ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल अगेन, सॉरी टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ठीक है।
करेक्शन ड्यू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू एमएसएल, हाइपोटेन्यूसल अलाउंस, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग आरबीएल, हमने पढ़ा था कि ये चेनिंग ऑब्स्टेकल होता है और रेंजिंग में यही ऑब्स्टेकल होते हैं। राइट एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं, तो क्रॉस स्टाफ होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, प्रिज्म स्क्वायर होता है, बियरिंग होता है, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, बियरिंग होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स मेरिडियन, ट्रू बेरियन होता है हम लोग ट्रू नॉर्थ से मेजर करते हैं, एम मैग्नेटिक बेरियन हम लोग एनी मैग्नेटिक एक्सिस से मेजर कर लेते हैं या फिर एनी एक्सिस से मेजर कर लेते हैं, एजीमुथ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होल सर्कल, दो तरह के बेरिंग हम लोग कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, होल सर्कल बेरिंग मतलब बेरिंग को दो तरह से नापा जाता है, एक होल सर्कल बेरिंग के फॉर्म में, एक क्वाड्रेंटल बेरिंग के फॉर्म में। होल सर्कल बेरिंग को हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं एंड क्वाड्रेंटल बेरिंग को हम लोग सर्वेयर कंपास से मेजर करते हैं। हमने जाना था कि फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके, अगेन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज, दो तरह के मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होते हैं, वेस्ट डिक्लाइनेशन एंड ईस्ट डिक्लाइनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है एज ए। फॉर वेस्ट डिक्लाइनेशन के केस में ये नेगेटिव होता है, ईस्ट डिक्लाइनेशन के केस में ये पॉजिटिव होता है। वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के केस में हमारे पास चार तरह के प्रमुखता वेरिएशन होते हैं, पहला सेकुलर वेरिएशन, दूसरा एनुअल वेरिएशन, तीसरा डायर्नल वेरिएशन, चौथा इरेगुलर वेरिएशन। डिप के बारे में डिस्कस किया था कि जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अर्थ सरफेस से जो एंगल बनाती है उसको डिप कहते हैं, इक्वेटर पे डिप जीरो होता है और पोल पे 90 डिग्री होता है। आइसोगोनिक क्या होता है, आइसो यानी सेम, एंड एगोनिक इज फॉर, ए इज फॉर जीरो, तो आइसोगोनिक इज फॉर सेम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड एगोनिक इज जीरो इज फॉर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। आइसोक्लिनिक क्या होता है, सेम डिप होता है एंड ए क्लिनिक इज जीरो डिप। हमने आगे जाना कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में बेसिकली किन किन चीजों पे फंडामेंटल डिफ्रेंशिएशन होती है। ट्राइपॉड में हम लोग देखा कि ट्राइपॉड इसमें नॉट रिक्वायर्ड होता है, सर्वेयर कंपास में ट्राइपॉड रिक्वायर्ड होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो वेन होता है वो मेटल वेन होता है, लार्ज स्लिट होता है, एंड सर्वेयर कंपास में वो स्मॉल स्लिट होता है, एस इज फॉर स्मॉल एंड एस इज फॉर सर्वेयर एंड स्मॉल स्लिट होता है ना। रीडिंग और सिस्टम क्या होता है, प्रिज्म प्रोवाइडेड एट आई वेन, उसमें जो प्रिज्म प्रोवाइड होता है वहीं से देखते हैं, और इसे सर्वेयर कंपास को हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। ग्रेजुएटेड रिंग होता है इसमें होल सर्कल बेरिंग, और सर्वेयर कंपास में हम लोग क्वाड्रेंटल बेरिंग यूज करते हैं। मैग्नेटिक नीडल इसमें जो होती है ब्रॉड नीडल होती है, एंड सर्वेइंग कंपास में हमारे पास एज बार टाइप होती है। लोकल अट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन फोर बेरिंग, अगर बैड बे अगर कहीं भी अगर मैग्नेटिक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है तो वहां पे जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री नहीं हो पाता है, तो लोकल अट्रैक्शन प्रिवेल्स है ना। वन एंड से कभी ऐसा होता है कि एक छोर से भी हो सकता है, एक एक स्टेशन से भी हो सकता है, दूसरे स्टेशन से भी हो सकता है, और हाउ टू कंपनसेट लोकल इंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, थर्ड लाइट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका, आप सर्वेइंग में अगर पढ़ रहे हैं और जेई में आपको बनना है तो थर्ड लाइट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं थर्ड लाइट से हम लोग, थर्ड लाइट से हम लोग एंगल मेजर करते हैं, वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, सबको पता होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, और डिस्टेंस भी कैलकुलेट, वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और दूसरा रेंजिंग के भी काम में आता है। थर्ड लाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना लायक तो बनता ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। अगेन दो तरह के थर्ड लाइट होते हैं हमारे पास, दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, एक होता है ट्रांजिट थर्ड लाइट, एक होता है नॉन ट्रांजिट थर्ड लाइट। ओके, ट्रांजिट थर्ड लाइट में मूवमेंट होती है, नॉन ट्रांजिट में मूवमेंट नहीं हो पाती है। ओके, अगेन एक और बेसिक क्लासिफिकेशन होता है इसमें, प्रिसाइज थर्ड लाइट, वर्नियर थर्ड लाइट, सॉरी वर्नियर थर्ड लाइट एंड प्रिसाइज ऑप्टिकल थर्ड लाइट,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये बेसिकली कुछ क्लासिफिकेशन होता है थर्ड लाइट का, और इसमें अब इसमें वेरियस पार्ट्स ऑफ थर्ड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वेरियस पार्ट्स ऑफ थर्ड लाइट जैसे कि हमारे पास हो गया कि बताओ लोअर प्लेट और उनका फंक्शन, लोअर प्लेट अपर प्लेट, अगेन लोअर प्लेट अपर प्लेट, और भी बहुत सारे बेसिकली डेफिनेशन की इसमें एक्सिस, हॉरिजेंटल, सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होता है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। अगेन टेलीस्कोप फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, टेलीस्कोप नॉर्मल इन्वर्टेड क्या होता है, ये सब सारा आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन ये सब आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और सारे फंडामेंटल्स, और इसमें आता है कि फंडामेंटल लाइंस ऑफ थर्ड लाइट, आप इसको बार 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 भूलोगे, लेकिन इसको आपको बार बार याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे देता हूं कि आपको तो आप ये समझ पा रहे होगे, इसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि फंडामेंटल लाइंस ऑफ थर्ड लाइट इसमें क्या, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, 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 व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, राइट। यू हैव टू रिमेम्बर और एवरीथिंग इज देयर, इनके इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो आपको ये सब सारा कुछ पता होना चाहिए फंडामेंटली, एक और होता है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट, जेई में इतना पढ़ लेंगे बहुत थर्ड लाइट के लिए, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थर्ड लाइट। ओके, अगेन आपको टेम्पररी में क्या करना पड़ता है, आपको परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ता है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंगल कैसे मेजर कर रहे हो, हॉरिजेंटल एंगल, वेरियस मेथड्स फॉर, बाय रिपीटेशन मेथड, में कुछ मेथड लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, बाय रिइटरेशन मेथड, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बिना ऊपर ऊपर गए और यहीं से कुछ कुछ टॉप कॉन्सेप्ट घुस के पूछ लेता है, तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अभी तक तो हमने थर्ड लाइट के बारे में बात की कि आपको थर्ड लाइट में ये बेसिक बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ने होंगे। अगेन आपको आते हैं ट्रावर्सिंग के ऊपर।
ट्रैवर्सिंग क्या होता है? लेंथ और डायरेक्शन हम लोग मेजर करते हैं ट्रैवर्सिंग केस में, ठीक है? कनेक्टेड लाइंस होते हैं जिसमें हम लोग लेंथ एंड डायरेक्शन हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड ऑल, ठीक है? तो ट्रैवर्सिंग में हम लोग ये करते हैं। तो ट्रैवर्सिंग में हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि पहला हो गया कि लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल, मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, ओके। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको एरर क्या होता है, जैसे कि फॉर क्लोज ट्रावर्स आपको क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। लाइक कुछ कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो डिपार्चर है वो 0 होना चाहिए, समेशन एंड समेशन ऑफ लैटिट्यूड वो भी 0 होना चाहिए, क्लोजिंग एरर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट ना डायरेक्ट आपके सवाल क्वेश्चंस में बनते हैं, उसमें आपको पेपर में बनते हैं, ठीक है? अगेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कह लो या रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर कह लो, ओके। तो ये सारा चीज आपको पता होना ही चाहिए, है ना? आपको वेल्ड कंडीशन, ओपन ट्रावर्स क्या होता है, क्लोज ट्रावर्स क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है? अच्छा, जब ओपन ट्रावर्स हो गया और उसमें कुछ एरर आ गए तो उसको हम लोग कैसे सही करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स। ना मेथड्स होते हैं इसके, बॉडिज मेथड हम लोग यूज करते हैं, बॉडिज मेथड को हम लोग कंपस रूल भी बोलते हैं, ट्रांजिट रूल, ट्रांजिट मेथड। सबकी अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग है कि कैसे वो होता है। एक्सिस एक होता है, एक्सिस मेथड होता है, और एक ग्राफिकल मेथड होता है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट ट्रावर्स केस में बॉडीज मेथड, कंपास रूल, ट्रांजिट मेथड, एक्सिस मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने लाइट के बारे में हम जान लिया, हमने ट्रावर्सिंग के बारे में जान लिया, अब हम लोग लेवलिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लोग भले इसको स्किप कर करके देख रहे होगे, बट ये सारा कॉन्सेप्ट ना बनता है क्वेश्चन में। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप कोई पेपर उठाओ एंड वहां से ये जो टॉपिक्स है मैच करो कि ये जो यशोदीप सर ने बताया ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे कि जो 90% क्वेश्चन है वो यहीं से बन रहा है। हम लोग लेवलिंग पे आते हैं। डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स, इसको लेवलिंग कहा जाता है, ठीक है? हम लोग इसमें एलिवेशन का वेरियस हाइट निकालते हैं और उसको बाद उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड लेवलिंग। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको देखने पड़ते हैं, जैसे कि इसमें कुछ कुछ डिनोमिनेशन जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लाइन ऑफ साइट हो गया, क्या होता है पूछ लेगा डायरेक्ट, लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ कोलिमेशन हो गया, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो गया,
ओके, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या फर्क है दोनों में, है ना। और इसमें हम लोग आते हैं वेरियस मेथड, हम लोग करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड डिस्कस करते हैं, राइज एंड फॉल मेथड डिस्कस करते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो गया, राइज एंड फॉल मेथड हो गया, बैक साइड है ना, तो ये सारा चीज है। तो लेवलिंग हमारे पास दो मेथड्स होते हैं बेसिकली। जब सामने वाला पॉइंट या फिर कुछ भी जिसको आप लेवल कर रहे हो वो अच्छे से विजिबल हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेवलिंग, है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट हो जा रहा है, दैट इज इनडायरेक्ट, दैट इज द डायरेक्ट लेवलिंग। और जिसमें नहीं है, इनएक्सेसिबल है पॉइंट, तो वो इनडायरेक्ट लेवलिंग के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, वेरियस टाइप्स ऑफ लेवलिंग बहुत आता है। पहले इनडायरेक्ट की बात करेंगे। बैरोमेट्रिक लेवलिंग पता होना चाहिए इनको, बेसिक बेसिक डेफिनेशन। बैरोमेट्रिक लेवलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, और डायरेक्ट मेथड में हमारे पास बहुत सारे लेवलिंग होते हैं। डायरेक्ट मेथड में जैसे कि हमारे पास एक सिंपल लेवलिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिफरेंशियल लेवलिंग हो गया। अच्छा, डिफरेंशियल में भी ना बहुत सब पार्ट्स हैं, कई कई स्टैंडर्ड ब्लॉक्स में सब पार्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंशियल लेवलिंग हो गया। अगेन चेक लेवलिंग हो गया, सबका यूज आता है। क्वेश्चन अगर बताओ एकदम ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि प्रोफाइल लेवलिंग में और चेक लेवलिंग में आप कंफ्यूज जाओगे स्टेटमेंट में, तो ये सारे स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। चेक लेवलिंग हो गया, अप्लाई लेवलिंग हो गया, प्रोफाइल लेवलिंग हो गया, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग हो गया, ओके, प्रिसाइज लेवलिंग हो गया। तो ये सारा लेवलिंग के प्रकार हो गए। ठीक है, इसके साथ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग हो गया। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कर्वेचर करेक्शन के बारे में, आपको पता होना चाहिए कर्वेचर करेक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, सीआर कह लो, इसको सीसी कहते हैं। ठीक है, ओके, सो कंबाइंड करेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको सीसी प्लस सीआर हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है, ये सब आपको डिटेल क्लास में देखना पड़ेगा। अगेन कॉलिमेशन एरर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है सेशन, हल्के मत लीजिएगा इसको। कॉलिमेशन एरर हो गया। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल टू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट।
ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा इज इक्वल टू एस बाई एन डी थीटा बाई एन टू दी इक्वल टू एल बाई आर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको करके रखना होगा, सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किन पे नहीं करता है, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने अभी तक देखा है, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन पे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।